नमस्ते आप सभी, मैं धर्मेंद्र कुमार उर्फ जेडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों हमारे यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे साथियों के कि सर स्टेमिना वर्कआउट ऐसा कोई बताइए जिससे हमारी रनिंग में सांस फूलती है, बहुत ज़्यादा रनिंग में सांस फूलती है। तो हमने सोचा चलो ऐसा एक वर्कआउट बताते हैं। इस वर्कआउट में हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 3 एक्सरसाइजें और उसमें से आपका पूरा स्टेमिना वर्कआउट होगा, जिसमें से आपकी सांसों का कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगा और आपके जो पेट में पेन होता है या थाई में पेन होता है, क्योंकि ये एक्सरसाइजें मिक्स एक्सरसाइजें हैं और ये एक्सरसाइजें जो आप करेंगे इसमें से आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी और बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। अगर आप खुद सोच सकते हैं अगर इन एक्सरसाइजों को करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सांसें फूलती हैं और थकान लगती है, तो ये समझ लीजिए कि जब आप रनिंग करने जाएंगे 1600 मीटर की रनिंग करने जाएंगे तो उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा। तो दोस्तों ये एक्सरसाइजें हम बहुत ही अपने बच्चों को कराते हैं और ये सारी चीज़ें हम उन बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं जो बच्चे एकेडमी नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं वो एकेडमी नहीं ज्वाइन कर पाते किसी कारण बस, क्योंकि सारे बच्चों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो उन बच्चों के लिए हम बहुत सारे स्टेमिना वर्कआउट, बहुत सारी डाइट के वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल जेडी फिजिकल एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो हम एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज हैं। तो देखिए ये तो दोस्तों शुरू कराने वाला हूं मैं पहली एक्सरसाइज और दिखाऊंगा आपको 30 सेकंड, इसके बाद 30 सेकंड के बाद रेस्ट दूंगा। यस रेडी गो स्टार्ट, जल्दी सबस। दोस्तों 30 सेकंड करना है, इसके बाद 5 सेकंड का रेस्ट दूंगा, इसके बाद फिर 30 सेकंड करना है, फिर 5 सेकंड का रेस्ट दूंगा। इस तरह आपको अगर आप इन एक्सरसाइजों को करेंगे तो आपको 10 रिपीटेशन करनी होगी, लेकिन हम वीडियो ज्यादा ना लंबा करेंगे इसलिए हम आपको सिर्फ 2 रिपीटेशन दिखाएंगे। यस चलते रहिए, 18 सेकंड हो चुके हैं, 20 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी से शाबाश फास्ट। इसके बाद दोस्तों 30 सेकंड के बाद मैं 5 सेकंड का सिर्फ रेस्ट दूंगा। यस 5 4 3 2 1 रेस्ट, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। यस यस जल्दी पीछे बैक, या 5 सेकंड का रेस्ट होगा। 5 4 3 2 1 स्टार्ट, दोबारा से 30 सेकंड स्टार्ट हो रही है। यस जल्दी। तो दोस्तों इसमें एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि आपको पूरा फ्रंट टूल करना है, इसके बाद पुशअप करना है, पूरा जंप करना है। इसमें से फ्रंट टूल में आपकी बैक की एक्सरसाइज, फिर इसके बाद जब पुशअप करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जंप करेंगे थाई की एक्सरसाइज, यानी हमारे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। इसलिए ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है वर्कआउट के समय। और आप देख रहे हैं यस चलते रहिए, टाइम खत्म होने वाला है। यस 5 4 3 2 1 यस एक पर आ रहा है हम सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना होगा कि जो एक दूसरा बंदा होगा उसको पैरों में अपने पैर रखने होंगे, इसके बाद वो उठेगा पूरा तो जोर पड़ेगा, इसके बाद वो थोड़ा झुक के ऐसे साधेगा। मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्सरसाइज सर कैसे बता रहे हैं। यस रेडी अप, या जल्दी नीचे फिर से डाउन, यस गुड या। दोस्तों आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में ये 30 सेकंड एक्सरसाइज होगी, टाइम नाउ स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपके पेट का और आपके ये बैक का और आपके ये जो कॉफ का है ये पूरे की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पूरा का पूरा ये पूरा स्ट्रेच हो रही है बॉडी। यस 30 सेकंड में इस बंदे को करवाऊंगा, इसके बाद 30 सेकंड इस बंदे से करवाएंगे। इस तरह के कम से कम 4 से 5 सेट करने होंगे एक बंदे को, इस तरह से कंटिन्यू। अगर आप अपने साथी को लेकर ये एक्सरसाइज करते रहेंगे बहुत ज्यादा सांस फूलेगी, क्योंकि जब आप ऐसे उठेंगे तो यहाँ पूरा ये पेट दबेगा तो सांस का ज्यादा फूलना होगा, यही आपको रनिंग के दौरान फायदा करेगा। यस अब 30 से 35 सेकंड हो चुके हैं, पार्टनर चेंज जल्दी से। यस या सबस, पार्टनर चेंज हो चुका है दोस्तों, क्योंकि दूसरे पार्टनर को भी मौका देना चाहिए, इसलिए अभी ये देख रहे हैं आप कैसे करना है। लेकिन हाँ चलते रहे, आपको ज्यादा देर नहीं करना है, जब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड पार्टनर को करवाना है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे आपके टाइम होता जाएगा उसके बाद आप 1 मिनट का टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से ज्यादा बहुत ज्यादा आपकी थाई बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बैक में पेन हो रहा है, इसलिए 30 सेकंड अभी करना है। टाइम खत्म हो रहा है इसलिए हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोरिंग महसूस करेंगे फिर बोलेंगे ज्यादा लंबा वीडियो। यस अब तो करा रहे हैं हम तीसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जंपिंग और स्ट्रेचिंग दोनों हैं, इसमें भी सांस का ज्यादा से ज्यादा फूलना होगा जो आपका रनिंग के दौरान बहुत ही फायदा करेगा। तो यस नाउ पोजीशन, यस अब। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज में 20 सेकंड कराऊंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ताकत ज्यादा लगती है, इसलिए 20 सेकंड कराएंगे। इसके बाद हम 5 सेकंड का रेस्ट देंगे, इसके बाद फिर 20 सेकंड कराएंगे। यस चलते रहिए, 10 सेकंड हो चुके हैं। यस फास्ट गो सबस, हाँ लंबे और स्टेप खोलिए सबस। यस 16, 17, 18, 19, 20, अप रेस्ट।
5 सेकंड का रेस्ट होगा दोस्तों, 5 4 3 2 1 यस, टेक नाउ पोजीशन, फिर से स्टार्ट अप, 20 सेकंड फिर से होगा, यस। दोस्तों आपको वीडियो में हम सिर्फ दो स्टेप दिखाएंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको करना होगा कम से कम 5 से 6 सेट करना होगा, क्योंकि तब ज्यादा, यस चलते रहिए, तब ज्यादा आपका सांसें फूलेंगी और आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। 13 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, 15 16 17 18 19 20, यस अप, यस। ये देखिए आपने हमारी 3 एक्सरसाइज दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको करनी है 1600 मीटर रनिंग 4:40 में, क्योंकि सपना सबका होता है 4:40 का, भले ही वो 6 मिनट में मारता हो 10 मिनट मारता हो, लेकिन सपना होता है सबका कि मैं भी 4:40 में मारूंगा। तो दोस्तों अगर ये एक्सरसाइज करनी है, आपको सीखनी है, हमारे वीडियो में बहुत सारी एक्सरसाइज है, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन बगल में बेल आइकन ही उसको नहीं दबाया होगा दोस्तों, अगर उसको आपने नहीं दबाया है तो जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे बहुत तगड़ी एक्सरसाइज का लाएंगे, वो आप नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों तुरंत बेल आइकन को दबाइए और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाइए तुरंत, और देखते रहिए हमारा ये चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय